हाँ जी, चलें दो टूक जरा बात हो जाए, बहुत सीधी बहुत साफ, गौर से सुनिएगा। कुछ ऐसा है कि मैं आपके घर आऊँ, आप मुझे इनवाइट करें, मैं आपके घर आऊँ, खाना खाऊँ, घर का टूर लूँ, और उसके बाद आपको गालियाँ दूँ, उसके बाद आपको जलील करूँ, आपके बारे में बुरा भला कहूँ, आपको कैसा लगेगा? कि इनवाइट भी किया, दावत दी, इज्जत भी दी, और ऊपर से इन्होंने हमें गालियाँ भी दी। यही करते हैं आप सेलिब्रिटीज़ के साथ, जब आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके चैनल, उनकी लाइफ में जो आपको मौका देते हैं कि आइए हमारी पर्सनल लाइफ देखिए जी, हमारी पार्टीज़ देखें, हमारी गैदरिंग्स देखें, हमारी ज़िंदगी जो कि सालों आप लोगों से छुपी रही है, लोग नहीं शेयर करना चाहते अपनी ज़िंदगी की डिटेल, हम अपनी पर्सनल लाइफ में आपको एक्सेस देते हैं। उसके बाद आप वो वीडियो देख के, वो मोहब्बत और वो जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बदले में आप बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं या बुरा भला कहते हैं, हमें भी वैसा ही दुख होता है। तो अब से मैंने डिसाइड किया है भाई, ये मेरा चैनल है और मेरा चैनल सिर्फ मेरे फैंस और पॉजिटिव लोगों के लिए है। तो जिनकी घटिया मेंटेलिटी है, घटिया सोच है, तंग नज़र है, जो ज़िंदगी को ना खुद इंजॉय कर सकते हैं ना किसी को खुश देख सकते हैं, प्लीज़ दिस इज़ नॉट द राइट चैनल फॉर यू। आप कोई और चैनल सब्सक्राइब करें, कोई और चैनल देखिए, मेरा चैनल सिर्फ प्यार करने वाले लोगों के लिए है, जो दिल के खुले हैं, जहन के खुले हैं, नज़र के साफ हैं और अच्छा बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रही हूँ, आपको एक्सेस दे रही हूँ कि जी देखिए ये है मेरी फैमिली और आप भी मेरी फैमिली को इन्जॉय करते हुए देखिए, क्योंकि इन अ वे यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली। बट जो लोग बुरा कहेंगे, बुरा बोलेंगे, वो फैमिली तो क्या, मेरी किसी वीडियो का एक्सेस उनको नहीं मिलेगा। आई विल ब्लॉक यू, आई विल हाइड यू फ्रॉम चैनल, एंड मे बी अगर बात अगर इतनी बुरी हुई लगी मुझे, तो मैं आपकी कंप्लेन भी करूँगी साइबर क्राइम में, बिकॉज बहुत हो गया। सो प्लीज़ इट्स टाइम टू बिहेव योर सेल्फ, स्टार्ट लिविंग लविंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक सिकनेस है, ये एक बीमारी है। मुझे दुख हुआ जब अरीशा की शादी की वीडियो मैंने पोस्ट की और उस पर जो कमेंट्स आए दुल्हन के लिए, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, शादी अरीशा की थी, आपकी नहीं थी, आपकी बेटी की नहीं थी, आपकी बहन की नहीं थी, उसकी मर्जी, वो जितना डांस करे, जितना एंजॉय करे अपनी वेडिंग में, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो इसलिए जो आप लोगों ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ। तो इसलिए पहले बता रही हूँ भाई, कमज़ोर दिल और ज़बान और इखलाक के लोग, आउट स्टाइल इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। ये सिर्फ मेरे प्यारे फैंस के लिए हैं, जिनको तमीज़ है, जो पॉजिटिव हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को खुश होते हुए देख के खुश होते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। सो द रेस्ट ऑफ यू प्लीज़ गेट लॉस्ट। हम डांस भी करते हैं, हम गाना भी गाते हैं, हम पागलों की तरह काम करते हैं, सारा हफ्ता, सारा महीना, सारी जिम्मेदारियां देखते हैं, और उसके बाद जब दो लम्हे मुस्कुराहट के, खुशी के मिलते हैं, तो हम भरपूर इंजॉय करते हैं। बी पार्ट ऑफ माई लाइफ इफ़ यू कैन रिस्पेक्ट और जस्ट डिसअपीयर। सो दिस इज़ फॉर माई फैंस एंड फॉर द ब्यूटिफुल पॉजिटिव पीपल आउट देयर, शेयरिंग माई फैमिली वीडियो, वेरी पर्सनल विद यू, ओनली विद द पॉजिटिव वंस। एंड रिमेंबर, जो विलन्स हैं, जो बदतमीज़ लोग हैं, दे विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम माई चैनल। तो फैसल की बर्थडे के लिए मैं पहुंच गई हूँ याजुम चेक करने के लिए। एक दिन पहले फूड टेस्टिंग होनी है, सरप्राइज बर्थडे है। खाना जो है वो एक रिस्क होता है, आपको पता है, अगर खाना ना अच्छा हुआ तो क्या फ़ायदा। और मैं यहाँ टेस्टिंग के लिए आई हूँ और मेरे साथ आए हैं मेरे चैम्पियन टेस्टर, क्योंकि मैं तो इतना खा नहीं सकूँगी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, और खाने में हमारे घर का स्पेशलिस्ट है अजान स्पेशलिस्ट है। वैसे भी सुशी, टेपनियाकी, तेरियाकी, जैपनीज खाने, सारे चीनी मीनी खाने के अजान। आई यू एक्साइटेड? सुनी से क्या है, टेस्टिंग करने आए हैं, मेन्यू डिसाइड करने आए हैं, मैं आपको टूर भी दिखाऊंगी। अभी आपने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है याजू, इट्स अ न्यू सेटअप एंड इट्स एग्जॉटिक, इट्स ब्यूटीफुल। अब खाना खाने के बाद पता चलेगा। कैसे फिदा नहीं बन सकते हैं, क्या हाल है नादिया? हम शुरू कर रहे हैं फिदा ने बहुत सारी चीज़ें हमें खिलानी है फूड टेस्टिंग में, एंड देन वी हैव टू डिसाइड कि कल मेहमानों के लिए क्या देना होगा। फर्स्ट कोर्स में है फूड टेस्टिंग में, या वी हैव टॉमियम एंड कुछ और है, ये टॉमियम है, ये स्पाइसी होगा, इसमें प्रॉन भी होगा। यम्मी, ट्राई, यू विल लव इट। अमेजिंग टॉमियम, तुम पियोगे तो मैं हमेशा पीऊंगी।
स्वीट है और स्पाइसी है, मजे का मजे का ना, क्यों स्पाइसेस होते हैं, कॉर्नफ्लावर नहीं होता। देखें गार्लिक राइस बन रही है, या ज़ुफ़्रान टेम्पुरा याहू। ये क्या है? हाँ ये सुशी, इसमें कच्ची वाली कौन सी, पक्की वाली कौन सी? दो और चार ही ले। वाह, ये दोनों को क्या? ये रॉ मीट में है, ये जान खाएगा कच्चा ये। इसमें कच्ची बीफ डलती है और टूना डलती है कच्ची, ये मैं नहीं खाती। ये क्या है? ये कैपेचिनो माती है। क्या है? कैपेचिनो माती ना, इनसाइड ब्राउन टेम्पुरा एंड कैपुंदर। इसके अंदर कुक्ड है? क्या है इसमें? ब्राउन टेम्पुरा एंड कैपुंदर। ये ब्राउन टेम्पुरा और ये क्या है? ये क्रिस्पी कैलिफोर्निया, बट आपने बोला था कि डायनामाइट की तरह करना, स्पाइसी मैं वगैरह आपके लिए। अंदर क्या इसके अंदर? इसके अंदर क्रिस्पी है, तो ये पका हुआ है। असॉर्टेड सुशी प्लेटर, इसमें अपनी पसंद की मंगवा सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद। ये वाली थोड़ी जो रॉ सुशी है, सुशी सपोज टू बी रॉ, अपनी पसंद के मंगवा सकते हैं। नाजिया की पसंद ये थी तो हमने ये बनाई, ये अजान की पसंद की, इसको मैं टेढ़ा कर रही हूँ। बिल्कुल अजान की ना वाली है, बस मैं सारी खाऊंगा अजान खा के खाऊंगा। हाथ रो चाइनीज खाते, ये बेस्ट फ्यूजन रेस्टोरेंट है, थाई चाइनीज जापानीज मिक्सड, और ये ट्रेंड है और ऑथेंटिक, और शेफ उन्होंने इंटरनेशनल शेफ तो खाए हैं। एक बच्चा दुबई में सो रहा था, उसको तो कितना करके ले आए, बोट में लाए इनको। अब गंदे गंदे मुँह ना बनाए घर में बैठ के, ऐसा नहीं है, ये पका हुआ है। हाँ ये कच्चा है, इसलिए आप मुँह बनाए। तो मैं इसका महंगा प्यार है ना, जितने ये पॉकेट मनी लेता है मुझसे रोज, किसी ना किसी बहाने से 500-600, और मैं पागल हूँ इसके पीछे थाई करी, और मुझे बहुत कम लोगों की पसंद आती है। मैं बता रही हूँ ये दुबई से भी मजे की, और मैं रेड करी के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे किसी की थाई रेड करी पसंद नहीं आती, बहुत कम, जो बहुत ही हाई एंड अच्छे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स हैं सिर्फ उनकी पसंद आती है, महंगी वाली। इवन थाईलैंड में भी जो टॉप रेस्टोरेंट हैं सिर्फ मुझे उनकी पसंद आती है। रिदा ने ये जो बना दिया ना सही, और ये सिर्फ यादों में मिल रहा है। दिस इज़ नॉट अ ब्रांडेड वीडियो बाय द वे, आई नो शेफ रिदा, और कोई ऐसा नहीं है कि हम ब्रांडेड वीडियोज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ ब्रांडेड वीडियो। मैं यहाँ दिल से आई हूँ क्योंकि रिदा का मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग बच्ची है और इंटरनेशनल लेवल की पाकिस्तानी शेफ है, और इसको US में ऑफर होती है, बाहर इतनी कंट्रीज में माशाल्लाह, लेकिन ये यहाँ काम करती है फॉर हर फ्रेंड्स, फॉर हर मदर स्पेशली, बिकॉज वो यहाँ है। आई रिस्पेक्ट दैट, वरना हमारे बहुत सारे अच्छे शेफ्स बाहर चले जाते हैं। शी इज़ हियर, आई एम हियर टू सपोर्ट हर, और जब मुझे पता चला, मैंने कहा यार आई विल टू बुक द रेस्टोरेंट एंड हैव प्रेसेस बर्थडे हियर। बीफ टेपनियाकी यम्मी, भाई खाना तो बहुत ही मजे का था, सब पास, और फैसल को आइडिया ही नहीं कि हम यहाँ फूड टेस्टिंग कर रहे हैं, या ये कि कल उनकी एक सरप्राइज बर्थडे है। आईफोन आ गया फैसल का, हुई हुई हुई, तो फैसल कॉल कर रहे हैं, उनको क्या बताऊँ। हेलो जी, हाँ क्या आप यहाँ, मैं आप आना चाह रहे हैं? लो जी फंस गए, फैसल कह रहे हैं कि जहाँ तुम हो लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। अजी वो हम खाना खा रहे हैं, हाँ वो खाना अच्छा नहीं है, सी फूड है, आपको तो सी फूड पसंद भी नहीं है, अजान की वजह से आई हूँ। नहीं 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 आप ना आए, बस मैं आ रही हूँ, बस हम लोग निकल रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं। अरे फैसल को पता चल गया तो सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा, मैं इनको टालती हूँ, फैसल ना आए, फैसल ना आए, हाय
है इनसे, मैं कैसे कल तक राज छुपाऊं, ये ना हो कि पकड़ी जाऊं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला।
प्लान सारा कुछ सही है, बस बाबा का बाबा डिड नॉट नो एट ऑल, सही सबसे गया, बहुत अच्छा गया, अब देखते हैं और क्या चलता है। अब ये पार्टी गाने इतने आपने मेरे साथ कराए क्यों? To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to cope when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. आप आज स्पेशल हैं, आपको आज तैयार होना था। हम लोग इसलिए कम तैयार हो गए ना, मेरे कहते आप ज्यादा तैयार नहीं हो गए, सिर्फ मेरा मियाँ दिखना चाहिए, सिर्फ मेरा मियाँ दिखना चाहिए। What we want to, just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. हर पार्टी में इसके लिए लेट होती है। आप तो होस्ट कर रहे हैं कि मैं पहले आऊँगी, मैं होस्ट करूँ, मैं तो 8 बजे आ जाऊँगी। नहीं मैं तो होस्ट, मैं क्या करती हूँ, गिफ्ट भी तो लेना था ना, 20, 21, 22nd। All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. शोज कौन से होते हैं कि हम खबर जो है
सस्ते बाजार से अच्छा जोड़ा कैसे बनाए सस्ती शॉपर कैसे काम करते शो ये देखे मैंने अपनी बेगम के लिए ये देखे लहंगा बनवाया तो सोचे कैसे ब्रांड है ब्रांड ब्रांड जो मॉर्निंग शोज का मुझे मसाला कॉन्फिडेंट है ना कैसा हूँ मैं हमारे लिए इसका बेस्ट कॉन्फिडेंट आई नो मर्जम सिंस द 90s When he was a designer, और ये कपड़े हैदराबाद से लेके आते थे सारा साइमस में मिलते थे बहुत पुराने फ्रेंड हैं और अभी अभी जो मेरा इतना कमाल कनेक्शन है because he's teaching my son. Wow. And he teaches him personal studies, Islamiyat. So thank you, Mazam, for being in our life and taking care of Azan. Worship for is her fitness and she shares the tips always with us. She puts so much pata nahi hai. Chupa si kuch nahi. Maine is an icon we can kaise zal hai. So main sirf kaise rehne. And my brother Bukharam is here. ये बर्थडे बॉय है मेरी वजह तो आप मजा आएगा केक कटने का वाह ये इंतजार ही मेरा करते हैं और ये पिंक शर्ट पहन के इंजॉय आया हूं एनी थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू मेरे शलवार को भी वेस्ट कोट पहना हैप्पी हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक सालगिरह आपको थैंक यू मैं क्या कह रहा था कि जब से मैंने होश संभाला है और एयरपोर्ट्स पे रहते हुए कभी कहाँ कभी कहाँ कभी मेजर जैसे लास्ट ईयर मैं नहीं था यहाँ पर आई वॉज आउट ऑफ कंट्री मेरी बर्थडे आ गई थी बट दिस टाइम इट वॉज द मोस्ट हैपनिंग द मोस्ट हैपनिंग दिस इज द बेस्ट एवर बर्थडे सरप्राइज मुझे नहीं मालूम था लेकिन इट वॉज ए टोटली टोटल सरप्राइज और one of the best not one of the best yeah. the best the best we are bahut saari honge isse bhi achhe honge inshallah kaun hai kaun kaun hai kaun hai aur hamare break kiya hai jo hamara mission hai main break karta ki nu देखिए भाई खाना आ गया खाना जैसे आप देख रहे हैं आ रहे हैं देखें क्या हाल है इरफान भाई ठीक ठाक मुझे भी कैसे हो हैप्पी बर्थडे टू हमारे फैसल भाई को बहुत बहुत मुबारक हो आई लव द एम्बियंस और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके हमेशा की तरह नाजी की फैमिली का पार्ट का हिस्सा हूँ और आज भी यहाँ पर हूँ लेकिन आज आप लेट हैं हमने बहुत मिस किया क्यों बताओ हुआ क्या आज क्या हुआ अचानक कैसे टाइम पे आते हैं आज हुआ क्या क्या लगे सेलिब्रेशन हुई तो चीजें हुई फैन आगे देखो आप ऐसे
खाना खाते हैं।